नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुरेठा और इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं ये तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल गृह युद्ध वाले हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अब से कुछ दिन पहले तक, पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान की पुलिस ने कह दिया कि आतंकी है। पाकिस्तान की पुलिस ने इमरान खान पर नया केस दर्ज किया है और इस नए केस के तहत उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, उन पर आतंकवाद की धाराओं के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब ये केस दर्ज क्यों किया है उस पर पुलिस के बड़े अफसर ये कहते हैं कि भाई जब हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे थे उनके लाहौर के जमा पार्क वाले घर में, तब इमरान खान ने अपने समर्थकों से आह्वान किया था और उन्होंने 2500 लोगों की भीड़ बुला ली थी जिसने पुलिस पर अटैक किया, पुलिस पर बम फेंके, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, पुलिस के ऊपर हथियारों से अटैक किया गया। ये सब कुछ आतंकवाद की श्रेणी में आता है और ये सब कुछ हुआ इमरान खान के उकसावे के चलते। इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर अब आतंकवाद की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी और कई धाराएं इमरान खान के ऊपर लगाई गई हैं। उनके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और तोशाखाना मामले में और महिला जज को धमकाने के मामले में ऑलरेडी उन पर केस रजिस्टर है। कुल मिलाकर अभी तक के जो केसेस हैं इमरान खान के, अगर मैं उनको कंसोलिडेट करूं एक साथ करूं तो करीब 83 केस बैठते हैं इमरान खान के ऊपर, जिसमें से करीब 32 केस ऐसे हैं जो कि संगीन धाराओं के हैं। लेकिन फिर भी देखिए इमरान खान लगातार जो अपनी पुलिस है, जो सरकार है, उससे मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब ये केस दर्ज किया गया इमरान खान के ऊपर आतंकवाद का, इसके बाद इमरान खान की पार्टी है जो तहरीक पाकिस्तान, उसके प्रवक्ता हैं और इमरान सरकार में मंत्री है फवाद चौधरी, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान को फंसाने की साजिश हो रही है और हम इस बात को अपोज करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अगर इस तरह का मामला होता है और इस मामले में कार्रवाई होती है तो फिर पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक तरफ सरकार है, पुलिस है और एक तरफ इमरान खान है, सिर्फ टकराव होने की नौबत आ रही है और टकराव हुआ तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के हालात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। पिछले दिनों भी देखा था हमने, जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर की पुलिस उनके घर पर पहुंची थी तो जबरदस्त टकराव हुआ था और आप ये समझ लीजिए कि करीब 3000 के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई और 3000 पुलिसकर्मी लगातार कोशिश करते रहे कि भाई इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाए। इसके पीछे वजह थी कि उससे ज्यादा भीड़ इमरान खान के समर्थकों की इमरान के घर के बाहर जमा थी। तब तो पुलिस वापस लौट गई, लेकिन अब इमरान खान के ऊपर आतंकवाद की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, यानी कि पाकिस्तान की पुलिस की नजर में उनके ही पूर्व प्रधानमंत्री आतंकी हैं। तो ये चीज इमरान की मुश्किल बढ़ा सकती है। लेकिन इमरान ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सब ड्रामा आपने क्यों किया। वो कह रहे हैं कि ये सब जो ड्रामा है ये शहबाज शरीफ के इशारे पर रचा गया था। उन्होंने कहा कि जब मैंने एफिडेविट दे दिया कि मैं 18 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा हूं, 18 तारीख को मैं जज के सामने आऊंगा, तो आपको ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी मुश्किल इमरान खान के लिए यह है कि उनको अपने ही देश की पुलिस ने एक तरह से आतंकी घोषित कर दिया है, क्योंकि उन पर आतंकवाद की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।